अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू वीडियो। तो यहाँ हम उतरे हैं बूट कैंप पे। सोलर सिस्ट कार्ड था तो मैंने ये नीचे उतरते मुझे सबसे पहले उजी मिली। जो मेरे ऊपर बंदा उतरा था वो नीचे आके ना गन्स उठा ही रहा था। मैंने उसे देखना उससे मैंने मौका ही नहीं दिया कि वो कुछ कर पाए बेचारा। उसकी हम करेंगे मजे से लूट। यार इस ये वीडियो में ना कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ना कोई किल्स ज़्यादा है। मैं नूब सा बंदा हूँ। मैंने ट्राई की इसे डाउन करने की लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। कहते हैं ना किस्मत में लिखा हो तो बंदा बच जाता है। फिर मैं नीचे गया, मैं दोबारा वो गन उठाया, मैं दोबारा उसे फायर किया लेकिन फिर बच गया वो। देखा ना एंड पे उसकी बुलेट्स कनेक्ट हुई थी। मैं आगे गया, वो आगे जाके ना कैंपिंग कर रहा था राइट साइड पे। मैं अपने ध्यान से जा रहा था लेकिन वो आगे देख, अरे हमने तो आपको देखा ही नहीं, हम उसे करेंगे डाउन। और आगे से ना मैं एक और ना मुझे स्ट्रैप आ रहे थे कि बिल्डिंग में कोई बंदा, लेकिन मेरे से ना इतना से ना पता नहीं लग रहा था बिल्डिंग पे ऊपर है राइट पर है बाहर है। मैं फिर भी ना यहाँ होल्ड करके देखना शुरू हो गया कि बंदा आता है मैं उसे डाउन करूँ या वो मुझे डाउन करे। मैं आगे आता हूँ तो वो बंदा ना फ्रंट से मेरे मुंह से ही ना सामने से आगे आ जाता है। मेरे पास वेक्टर थी, मैं इजीली क्लोज इन फाइट की। उसने शायद हेलमेट वेस्ट कुछ नहीं पहना होता, कोई चाइनीज का बंदा था। उसको हमने मारा, उसकी हम करेंगे मजे से लूट। देन यहाँ पर ना मैं वो देख रहा होता हूँ कि साइड पर देख रहा तो मुझे फायर पड़ती, इतनी फायर के हिसाब से मैं डाउन होने वाला ही होता हूँ। मुझे पता ही लगता कि बंदा किस तरफ है। मैं यहाँ आके हील करता हूँ, यहाँ हम करेंगे हील। मैं हील करके ना मुझे देख रहा था, मैं ऊपर छत पे जाता हूँ, ऊपर छत पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ बंदा है कहाँ पर, सपोर्ट करने ट्राई करते लेकिन सपोर्ट नहीं होता। देखो मैं नीचे आया फिर भी उसने मुझे फायर किया। पता नहीं किस खबीस का बच्चा इसने एंगल रखे बैठा हुआ है मेरे पर। क्योंकि यार बूट कैंप में ना इतने बंदे नहीं आए थे, मैं फिर भी देख रहा था। वो देखो सामने बंदा नज़र आ रहा है आपको। मैं तो बड़ी देर तक होल्ड करता रहा, बंदा बाहर आया, मैं से दिया फायर, लेकिन यू नाउ मेरा स्प्रे इतना अच्छा नहीं है तो वो डाउन नहीं हो सका। मैंने उसे बड़ा ट्राई किया कि डाउन कर दूँ लेकिन नहीं। फिर मैंने ए के एम पकड़ी, मैं कहा शायद ए के एम से क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्ट हुई थी, एक आधे कनेक्ट हो। उसने इतना गंदा मारा मुझे, मेरी सारी पावर ही ले गई। वो तकरीबन मेरे हेड ही नज़र आ रहा था इसे। मैंने द बैंडेजेस पकड़ी, मैंने हील की, इधर हमें मिलेगी 3x। आए हाय अब कैसे बचेगा मैं बच्चा। फिर मैं ऐसे देख रहा था कि वो उधर से भागा तो नहीं, लेकिन वो उधर ही था, लेकिन उसने मेरा एंगल अभी भी लिया हुआ था। मैंने उसे ट्राई किया फायर करूँ लेकिन ना वो विंडो का ग्लिच था, वो फायर से ट्रांसफ़र ही नहीं हुई हो पाई। वो फिर भी मुझे मारने की ट्राई करता रहा, ना वो नॉक हुआ ना मैं नॉक हुआ। मैंने ट्राई किया गेन, यार इतना उससे मैंने डैमेज दिया फिर भी पता नहीं क्यों। यहाँ आ गया बोट। बोट भाई कैसे हो? ये इन्होंने अपना हमारी केडी मेंटेन करने के लिए हमारे ऊपर आ चुके थे। या फिर मैं दोबारा ट्राई किया, अभी भी वो इतना ढीठ था उधर ही था। मैंने ट्राई किया मैं मारूँ लेकिन स्प्रे, पता ना आप लोगों को मेरा स्प्रे बहुत ही गंदा। मैंने राइट से फ्लैंक किया, मैंने कहा चलो राइट से फ्लैंक करके ना वो तो उस तरफ का एंगल रख के बैठा होगा, मैं इजीली उसे डाउन कर देता हूँ। क्योंकि यार वो कब से उधर ही था। यहाँ ना फायर की आवाज़ आई थी, मैं कहा शायद बंदा है। तो नीचे मैं जंप किया ना, स्टेप की आवाज़ आई, मैं देखा शायद अंदर है लेकिन अंदर नहीं है। वो नीचे से जंप कर रहा था उसी टाइम मैंने कहा उसने भाई ने शायद हैंड फ्री का कुछ नहीं लगाई थी। ये है बेबी लोन्स, बेबी लोन्स को हमने किया डाउन नॉक एंड फिनिश। तो यहाँ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से 5 किल्स हो चुके हैं। या मैंने पूरा बूट कैंप ढूंढा उस बंदे के लिए जो वो पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैंने इतनी यार बूट कैंप तो पहले बात बंदे आए ही नहीं, सेकंड बात यार ये मेरी पहली वीडियो जिसके अंदर मैं वॉइस ओवर कर रहा, तो थोड़ा सा बस गुजारा करो, आगे इंशाल्लाह अपने आप को बेहतर करता रहूँगा। या मैं पूरा बूट कैंप ढूंढा कोई नहीं बंदा मिला, तो अचानक ना वो रिज के पहाड़ी के ऊपर ना फायर हो रही थी। मैंने इसे ट्राई किया नॉक करने की लेकिन वो किसी ने नॉक कर दिया था। मैंने किल उठाने की चोरी करने ट्राई की लेकिन नहीं, स्प्रे है ना, हाँ स्प्रे नहीं सही। मैं लेट के टैप टैप देने की ट्राई किया क्योंकि वो तो नॉक हो चुका था जिसने उसे फिनिश किया था उसे। इसे एक दो बुलेट्स बस कनेक्ट हुई थी, बाद में वो भी बच गया। देन मैंने कहा यार मैं ओपन में लेटा हूँ तो मुझे फायर ना लग जाए, क्योंकि मैं सोलो था, मैं नॉक नहीं सीधा फिनिश ही होना था। मैं ऊपर बूट कैंप से बाहर आया, मैं यहाँ फायर आ रही थी, मैं बंदों को देखने के लिए बाहर आ चुका था। तो मैं बंदा ढूंढ रहा था, कोई बंदा नजर आया। यार इधर ना मेरी गेम बहुत ना लैग होना शुरू हो गई थी, मैंने यहाँ मोबाइल की बैटरी बहुत लो दी है। देखो वो इतना कैंपर तो नहीं कह लो, जो मर्जी कह लो, वो आया उससे मुझे फायर दिया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हमने उसे स्प्रे दे के
डाउन कर दिया। हम हिलकर यहाँ बोट आ गया था, बताइए बोट था, रियल था, जो भी था। हमने उसे किया नोक, नोक के बाद हमने उसे किया फिनिश। जो उधर बंदा था जिसे मैंने नोक किया था, मुझे लगा उसके साथ कोई और भी दो बंदे हैं, क्योंकि यार उधर से ना दो बंदों की फायर की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने पहले कर दिया एहतियातन, मौली को ही होगा तो चलो जल्द थोड़ा सा तो डैमेज होगा। लेकिन मैं वहाँ गया, देखो भाई साहब उधर जो नोक किया वो भी गायब हो गया और कोई भी नहीं था। मैं मेरे साथ हो गया प्रैंक। तो उसकी पेटी पेटी पड़ी हुई थी, पता नहीं मेरा किल चोरी हो गया क्या सीन था। इधर मेरी गेम इतनी लैग हो रही थी बैटरी की वजह से, याद है ना कोड़ा साफ होते हैं ना, इसलिए मैं अपना एडीएस नीचे ज़मीन पे रख रही। देखो ये पेटी बताई किसकी पड़ी हुई है, उसकी बंदे की थी जिसे मैंने डाउन किया था। इधर होती मुझे फायर, मुझे ना गेम ना इतना चिपक रहा था तो ना मुझे सीधा पता नहीं लग रहा। ये बंदे को मैंने एकेएम से किया डाउन, उसके साथ एक और बंदा था, इसका ही टीममेट था वो, एक और बंदा था, मैंने उसे कर दिया, उसे डाउन किया। मैं कहा चलो यार नापा नोक नोक तो कंफर्म करूं। मैंने इधर हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे साथ के। तो यार वो बंदा अभी तक नहीं मिला था जिसे मैंने नोक किया था, और एक और जिस ये इस जो बंदा मैंने अभी डाउन किया ना, इसे ना वो प्री फायर दे रहा था बचाने के लिए कि मेरा टीममेट बच जाए। लेकिन नहीं, हमने जिसे नोक किया समझो हमने उसे फिनिश कर दिया। हमारा रूल है जी नोक एंड फिनिश बस। इधर हम ढूंढ रहे थे वो बंदे को, जब मैं इसलिए कह रहा था, मैं कहा कोई बंदा ना नीचे, पता ना कोई सांप होते हैं बहुत जहरीले सांप, डस डुस जाते हैं। तो मैं इजीली साथ साथ मैं जोन देख रहा, जोन छोटा सा रह गया था, 13 बंदे लाइव थे मुझे छोड़ के 12 बंदे। यहाँ एक एनाकोंडा सांप छुपा होगा बहुत ही जहरीला, उसे उसने मुझे यहाँ तक स्टेप कुछ भी नहीं दिया। वो देखो, अरे 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 भाई हमने तो आपको देखा ही नहीं, फिर हम इसकी करेंगे मजे से लूट। या मैं ना ऊपर जाते जाते ना साथ साथ ना देख रहा था कोई ये घास के अंदर कोई बंदा लेटा ना हो। इधर मुझे आती है स्टेप की आवाज, उसी टाइम ना मैं लेट जाता हूँ। मैं कह नहीं यार सोलो तो मैं नोक तो होना नहीं है, इतने केस कर लिए इस बंदे को मैंने किया नोक। मैं नोक किया उसी टाइम, मैं कह पहले फिनिश कर दूँ उसका टीममेट को गुस्सा ना आए, क्योंकि वो अक्सर होता है ना पैनिक वगैरह हो जाते हैं फिर वो आ जाते हैं। एक कर दिया इसको नोक मैंने, इसका टीममेट ना आगे से आ रहा था। मैं कहा चलो यार इसकी लूट कर लेता हूँ। फायरिंग तो हो रही थी लेकिन मुझे ना सही तरह ये नहीं पता लग रहा था करीब था कि दूर था। मैंने इसकी थोड़ी सी लूट की, मैं कहा चलो लूट करता हूँ। मुझे ना स्टेप की आवाज़ आना शुरू हो गई, मैंने लूट छोड़ के थोड़ा सा आगे हुआ, ये सामने से फ्रंट से ना वो आ गया। उसने मुझे नहीं देखा क्योंकि मैं छुपा हुआ था, सांप को देखना मुमकिन। वो पीछे मुझे फायर पड़ी लेकिन मैंने कहा नहीं पहले से फिनिश करूँ मैं, या पहले किल चोरी ना हो जाए। वो पहले पता नहीं किल चोरी हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने इसे कर दिया नोक एंड फिनिश। ऊपर से ना स्टेप की आवाज़ आ रही थी, मुझे सामने बंदा है देखना था इसकी पेटी, वो देखो इसकी पेटी बन गई है ना, किसी ने उसे ना किल कर दिया था जो उसका थर्ड मेंबर था या फोर्थ था। लेकिन फिर भी एक और बंदा ऊपर आया था जिसकी मुझे अभी भी स्टेप की आवाज़ आ रही, मैं सपोर्ट करने ट्राई कर, वो देखो यह इतनी गेम चिपक रही थी मेरे से, इतना स्प्रे भी नहीं लग रहा था। मैंने फिर भी कहा चलो नोक एंड फिनिश और किल तो कन्फर्म करूँ ना मैं। अब यहाँ हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे 11 किल, तो 7 बंदे लाइव थे, छोटा सा सर्कल था। मैं जो बाकी प्लेयर्स थे ना वो थे रिच के आउटसाइड पे, मैं उस तरफ जा रहा था देखने के लिए कि कोई मुझे मिले, मैं उसे कोई नॉक फिनिश करूं, कोई किल उठाऊं। इधर फिर भी मेरी गेम बैटरी की वजह से इतनी चिपक रही थी कि सवाल कुछ पूछो ही ना। इधर मैं नीचे जा रहा था, मुझे पता लगा था कि नीचे बंदा लेकिन कन्फर्म नहीं था कि किस तरफ। वो देखो सामने बंदा है, मैंने उसे डैमेज दिया लेकिन मैं हो गया फिनिश। तो गाइस ये मैं छोटा सा आया था वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और बाकी यार गुजारा करो बस ऐसे ही, वॉइस ओवर अभी आता है।